हमारी कॉलोनी में क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया है लक्ष्मी नयन, जो सिटी के बिल्कुल बीच में है, चारों तरफ आवासीय कॉलोनी है, हर तरह के आदमी है, जिनमें किसी को शुगर है, किसी के बुजुर्ग है, बच्चे हैं। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. कलेक्टर साहब के पास हम लोग हमारी कॉलोनी में मेन सिटी के बीच में कॉलोनी है और उस कॉलोनी में प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है लक्ष्मी नयन अजमेर में, पूरी सिटी के बीच में है। इस सिटी के चारों तरफ पूरा रेजिडेंशियल आवासीय जगह है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 40-50 बंदरों का एक समूह इस लक्ष्मी नयन में परमानेंट रहता है और सारी कॉलोनी की छतों पे घरों में घूमता है। आज सवेरे कल जहां इन्होंने शिफ्ट किया है शायद एक दो जनों को, वहां से खाली पतले और दूने अलग अलग छतों पे मिले हैं वहाँ से। तो इस स्थिति में इस भयावह रोग से वहाँ की कॉलोनी में बहुत भय व्याप्त है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, जबकि बाहरी क्षेत्र में कई क्वारंटाइन सेंटर खाली हैं। तो मेरी राय में प्रशासन को इस रोग से बचाने के लिए ऐसी जगह क्वारंटाइन सेंटर प्राथमिक आधार पर बनाए जाए जो बाहरी क्षेत्र हो, जहां आवासीय कॉलोनी नहीं हो तो फैलने की संभावना कम रहती है। अब ऐसी स्थिति में जहां बंदर 40-50 हैं और आए दिन वहां से कोई सामान उठाएंगे, हर कॉलोनी पे, हर घरों में फेंकेंगे, तो ये रोग ज़्यादा फैल सकता है। लगभग आपके यहां पर कितने मकान अगर हैं आपकी कॉलोनी? मेरी कॉलोनी के आसपास सराउंडिंग करीब से 250-300 मकान उसके आसपास ये पड़ते हैं और इन 250-300 घरों में बंदर घूमते रहते हैं। लक्ष्मी नयन से कोई भी सामान उठाएंगे तो वहाँ डालेंगे ही डालेंगे, बंदरों को आप रोक नहीं सकते हो। तो इस तरह से मेरी राय ये है प्रशासन से कि जहाँ भी ऐसे सेंटर बनाए उसमें ये पहले ज़रूर देखें आसपास की स्थिति और प्रैक्टिकल में क्या होने वाला है आगे, उस पर गौर करके ही इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाए। रमेश अजमेरा, अध्यक्ष सूरज विहार कॉलोनी अजमेर। हमारी कॉलोनी में क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया है लक्ष्मी नयन, जो सिटी के बिल्कुल बीच में है, चारों तरफ आवासीय कॉलोनी है, हर तरह के आदमी है, जिनमें किसी को शुगर है, किसी के बुजुर्ग है, बच्चे हैं, और ये इस तरह से अगर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है तो जबकि पहले जो सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है हमारे साथ वो ये है कि हमारी कॉलोनी में चार क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताते।